मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को गैर लाइसेंसी साहूकारों की चंगुल से बचाने के लिए कानून लाने के बाद अब शिवराज सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छोटे और मझौले किसानों के साथ भूमिहीन कृषि श्रमिकों को भी इसके दायरे में लाने का निर्णय किया है। इसके तहत मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण विमुक्ति विधेयक लाया जाएगा, जिसके मसौदे को मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कैबिनेट के बाद बताया कि ग्रामीण ऋण विमुक्ति विधेयक के मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद जल्दी ही छोटे किसान, कृषि मजदूर, गैर लाइसेंसी साहूकारों के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। इसके दायरे में भूमिहीन कृषि श्रमिक, आधा हेक्टेयर या सिंचित या एक हेक्टेयर भूमि वाले सीमांत किसान और आधा से एक हेक्टेयर तक सिंचित या दो हेक्टेयर तक असिंचित भूमि पर स्वयं खेती करने वाले किसान आएंगे। साथियों, मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 आज कैबिनेट में पास हुआ। इसके पूर्व में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति अधिनियम 2020 भी लागू किया जा चुका है। आज जो मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 लागू किया गया, इसमें तीन प्रकार के लोग लाभार्थी होंगे। पहला भूमिहीन कृषि श्रमिक, दूसरा सीमांत किसान और तीसरा छोटे किसान। भूमिहीन कृषि में जिसके पास कृषि भूमि बिल्कुल नहीं है तथा वह मजदूर के रूप में कृषि कार्य करता है। सीमांत किसान में लिया है जिसके पास आधा एकड़, आधा हेक्टेयर या सिंचित एक हेक्टेयर तक उसके पास भूमि है। छोटे किसान को हमने लिया है जिसके पास आधा हेक्टेयर से एक हेक्टेयर तक सिंचित या एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर तक असिंचित भूमि है और वह स्वयं खेती करता है। यह तीन लोगों का लाभ होगा। ऋण मुक्ति अवधि 15 अगस्त 2020 तक जो इलीगल अवैध साहूकारी कर रहे थे, पैसा दे रहे थे, उन पर लागू होगा। जो वैध हैं, जिन साहूकार के पास लाइसेंस है, वो विधिवत रूप से अपना ये काम ब्याज वाला चालू कर सकते हैं। कि ये जो किसान एडवांस देते हैं, एडवांस और ऋण में थोड़ा अंतर है, ये किसानों पर लागू नहीं होगा जो एडवांस मजदूर को देते हैं। ये जो पठानी ब्याज लेते हैं लोग, दो चंग तिचंग लेते हैं, ब्याज पर ब्याज लगा देते हैं, ये मूल रूप से उनके लिए लाया गया है कि वो गरीब को, मजदूर को न सताए। जो साहूकार जिसके पास प्रमाण पत्र है और वो निर्धारित शर्तों के तहत ब्याज लाइसेंस के साथ में ब्याज देता है, उस पर भी लागू नहीं है। ये अवैध रूप से जो देते हैं उन सब लोगों पर विशेष रूप से लागू होगा। किसानों में, ठेकेदारों में कोई भ्रम न फैले, इसलिए मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी की अनुमति से ये बात कही। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 15 अगस्त 2020 तक ऐसे साहूकार जिनके पास साहूकारी करने का वैधानिक अधिकार नहीं है, द्वारा दिया गया ऋण और उस पर लगाया गया ब्याज अवैध होकर शून्य हो जाएंगे। इसकी वसूली अधिनियम के प्रभावी होने के बाद नहीं की जा सकेगी। प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 3 साल का कारावास या 1,00,000 रुपये तक अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा, वैधानिक तरीके से ब्याज पर राशि देने वालों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। इसी तरह वित्तीय संस्थाओं, सहकारी समितियों द्वारा दिए गए कर्ज पर भी ये प्रभावी नहीं होगा। बैठक में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।